यूनिट वन में थ्री टॉपिक्स हैं जिसे हम लोग कंप्लीट करेंगे. फर्स्ट वन इज पहला है इंट्रोडक्शन जो एथिक्स का होगा, एंड उसके बाद हम लोग द बेसिक ऑफ एथिक्स पढ़ेंगे. ओके, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गेटिंग टू नो इच अदर. ओके, एंड रिकॉग्निशन ऑफ आवर कॉमन ह्यूमैनिटी, और उसके बाद लास्ट है एम्पैथी, कंपैशन एंड जस्टिस. तो मैं आपके सारे कंसेप्ट को कोशिश करूँगी कि अच्छी तरीके से क्लियर कर पाऊँ, एंड आपको ये वीडियो अच्छा लगे, मेरी क्लास अच्छी लगे. ओके, तो लेट्स मूव टुवर्ड इंट्रोडक्शन. तो एथिक्स क्या है इससे पहले हम लोग जानते हैं. तो जैसे कि हमें पता है कि एथिक्स जो है वो साइकोलॉजी का ब्रांच है जो कि हमें मोरल वैल्यूज सिखाता है, हमें प्रिंसिपल सिखाता है हमारी लाइफ में मोरल क्या, मतलब हमारी लाइफ की कैसी मोरल वैल्यूज होनी चाहिए, हमारे प्रिंसिपल्स कैसे होने चाहिए लाइफ के. ओके, और ये हमें सिखाता है कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या एथिकली राइट है, क्या जो हम कर रहे हैं वो एथिकली रॉन्ग है या फिर राइट है, ये हमें सिखाता है. जैसे हम लोग बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि झूठ बोलना गलत बात है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो ये एथिकली सही है. बट अगर हम लोग देखें कि अगर झूठ बोलकर कोई अच्छा काम हो रहा है तो वो झूठ गलत नहीं होता बल्कि वो राइट होता है. बट अगर हम लोग रॉन्ग रॉन्ग चीज़ों के लिए अगर हम लोग झूठ बोल रहे हैं तो वो ज़रूर गलत बात होगा. ओके, और ये हमें सिखाता है कि हमें डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में किस तरीके से एक्ट करना चाहिए, और ये हमें एक सोसाइटी में हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है जिससे हम लोग रैशनली थिंक कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं. ओके, जिससे हम लोग का हमारा और सोसाइटी के प्रति हमारा जो कनेक्शन होता है वो डीपर बिल्ड होता है, इससे हम लोग की ह्यूमैनिटी बढ़ती है. तो वो हम लोग आगे बात करेंगे. लेट्स मूव टू दिस टॉपिक, द बेसिक्स ऑफ एथिक्स. तो एथिक्स का बेसिक्स क्या है ये हम लोग जानते हैं. तो अकॉर्डिंग टू फिलोसफिकल अप्रोचेज एथिक्स की तीन बेसिक्स थ्योरीज हैं. पहला है डियोन्टोलॉजिकल एथिक्स, दूसरा है कंसिक्वेंटलिस्ट एथिक्स, एंड थर्ड इज वर्च्यू एथिक्स. तो कंसिक्वेंटलिस्ट एथिक्स, वर्च्यू एथिक्स एंड डियोन्टोलॉजिकल एथिक्स क्या है, लेट्स लर्न अबाउट इट. तो जैसे कि होता है कि कुछ एक्शंस जो होते हैं वो हमारे वो स्ट्रिक्टली गुड होते हैं, कुछ बैड होते हैं. तो ये हमारी ड्यूटी है कि हमें किस एक्शन पर किस तरीके से एक्ट करना है, इसे हम लोग डियोन्टोलॉजिकल एथिक्स कहते हैं. ओके, नाउ कंसिक्वेंटलिस्ट एथिक्स क्या है ये जानते हैं. तो जैसे कि कुछ हम लोग काम कर रहे हैं तो वो अगर उसका आउटकम हमें बताता है कि वो मोरली राइट है या फिर रॉन्ग है, जैसे हम लोग गाली दे रहे हैं तो गाली देना इज रॉन्ग थिंग. जैसे हम लोग झूठ बोलते हैं तो अगर वो झूठ हम लोग अच्छी चीज़ों के लिए बोल रहे हैं, मतलब एक झूठ बोलने से कोई अच्छा काम हो रहा है, तो वो झूठ बैड नहीं होता बल्कि राइट होता है. ओके, तो ये सब हमें कंसिक्वेंटलिस्ट एथिक्स के अंडर पढ़ना है. ओके, एंड लेट्स लर्न अबाउट वर्च्यू एथिक्स. तो वर्च्यू एथिक्स क्या होता है, वर्च्यू एथिक्स जो होता है वो कैरेक्टर डेवलपमेंट्स में, ट्रेट्स डेवलपमेंट में हमारी मदद करता है. जैसे ऑनेस्टी हो गई, करेज हो गया, ये सब ऑनेस्टी करेज ये सब हमारे ट्रेट्स होते हैं, ये कैरेक्टर्स होते हैं जो ये वर्च्यू एथिक्स इस पर डेवलपमेंट में फोकस करता है, जिससे क्या होता है कि हमारे गुड हैबिट्स का कल्टिवेशन ज़्यादा होता है. और फिर हम लोग क्या होता है कि हम लोग मेनली कनेक्ट हो पाते हैं इन सब चीज़ों से. ओके, आई होप सो आपको ये तीन फिलोसफिकल अप्रोचेस समझ में आ गया हो. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक इज गेटिंग टू नो इच अदर. तो जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया था कि हम लोग पहले टॉपिक ये क्लियर करेंगे, तो ये तीन मैंने टॉपिक क्लियर कर लिया. पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा इज द बेसिक ऑफ एथिक्स, एंड द थर्ड वन इज गेटिंग टू नो इच अदर. तो ये हम लोग ने पढ़ लिया. और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिकॉग्निशन ऑफ आवर कॉमन ह्यूमैनिटी. तो लेट्स लर्न अबाउट इट. तो पहले हम लोग गेटिंग टू नो इच अदर को कम्प्लीट करते हैं. तो गेटिंग टू नो इच अदर क्या है, किसी को जानना, उसकी हॉबीज़ को जानना, उसकी फेवरेट चीज़ों को जानना, जिससे हमारा जो जो कनेक्शन होता है वो डीप होता है, वो अच्छा हेल्दी बिल्ड होता है. ओके, किसी के इंटरेस्ट को जानना, उसके पर्सनालिटी को जानना, ये सब गेटिंग टू नो इच अदर में आता है. ओके, जिससे क्या होता है कि समाज में जो बॉन्ड होता है वो अच्छी तरीके से बिल्ड होता है. तो ये जो है वो एक रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, या फिर जो कि पर्सनल लेवल पे हो रहा है या फिर प्रोफेशनल लेवल पर, उसको बिल्ड करने के लिए ये एसेंशियल
कंपोनेंट होता है, ओके। और इससे क्या होता है कि किसी भी पर्सन के बीच जो ट्रस्ट होता है, एम्पैथी होता है या फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है वो बिल्ड होता है, जिससे क्या होता है कम्युनिकेशन और कन्वर्सेशन जो होता है वो बेटर कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन हो पाता है, ओके। तो जो ये हमारा है गेटिंग टू नो अदर, किसी को समझने के लिए बहुत सारे वेज हैं, उनमें से कुछ ये वेज हैं जिसमें मैंने बता रखा है कि आस्किंग ओपन इंडेड क्वेश्चन। तो किसी से ओपन इंडेड क्वेश्चन करने से हमारा जो एक दूसरे की जानने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी। जैसे कि किसी से आप क्वेश्चन करते हो ओपन एंडेड क्वेश्चन, तो वो बंदा या फिर कोई भी पर्सन वो इनकरेज होता है और वो अपने बारे में अच्छी तरीके से बता पाता है, जिससे वो मतलब सिक्योर फील करता है और वो खुद को अच्छी तरीके से ओपनली बता सकता है, ओके। फिर सेकेंड वन इज शेयरिंग पर्सनल एक्सपीरियंस। किसी को जानने के लिए एक ये बहुत अच्छी कड़ी है, जिससे हम लोग जानते हैं कि अपना पर्सनल एक्सपीरियंस किसी से शेयर करोगे तो वो सुनेगा एंड वो भी अपने बारे में कुछ बताएगा पर्सनली, ओके। तो जैसे कि किसी के साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो आप एम्पैथी रखना ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ओके। तो कम्युनिकेशन को ये बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस किसी के साथ शेयर करने पर, ओके। जिससे क्या होता है कनेक्शन जो होता है वो डीप हो जाता है। एक्टिव लिसनिंग, ओके। तो एक्टिव लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि सामने वाला बंदा बोल रहा है और आप भी बोल रहे हो, नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए। वो जब बोल रहा है तो आपको सुनना है, उसे समझना है, उसकी जगह पर खुद को रखना है एंड फील करना है, थोड़ी एम्पैथी दिखानी है, थोड़ा सा कंपैशन दिखाना है। फिर इससे क्या होगा कि आपका बॉन्ड जो होगा अच्छी तरीके से क्रिएट हो पाएगा एंड आप उसको समझ पाओगे, ओके। जिससे क्या होगा कि आप अच्छी तरीके से उसको समझोगे तो आपका कनेक्शन अच्छी तरीके से बिल्ड होगा। सो दिस वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नोइंग एनीथिंग अबाउट एनी पर्सन, ओके। सो जैसे कि वो अगर बोल रहा है तो फीडबैक भी प्रोवाइड करना, ये नहीं कि सुनते रह गए एंड चुपचाप बैठे रह गए, ओके। तो क्या होगा कि अगर आप फीडबैक दोगे तो एक दूसरे को आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाओगे, एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझ पाओगे, ओके। सो लास्ट वन इज़ पार्टिसिपेटिंग इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ टुगेदर। तो NGOs में जैसे हम लोग जाते हैं या फिर आउटिंग्स में जाते हैं या फिर लिसन टू मी, तो जैसे कि हम लोग पार्टीज़ में जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, कहते चलो भाई चला जाए आज बाहर कहीं घूमने या फिर डिनर पर जा जाए या फिर आउटिंग्स पर जाए, चलो टहलने चलते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप कन्वर्सेट कर सकते हो, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर पाते हो, एक दूसरे की फीलिंग्स को शेयर कर पाते हो, जिससे आप उसको अच्छी तरीके से समझ पाओगे एंड थोड़ा सा एम्पैथी दिखाना। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा कि आपकी जो कनेक्शन होगी वो अच्छी तरीके से बिल्ड हो जाएगी, ओके। तो ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वे है किसी को समझने के लिए। तो ओवरऑल हम लोग ये कह सकते हैं कि गेटिंग टू नो ईच अदर जो है वो क्रूशियल प्रोसेस है, जिससे हम लोग हेल्दी रिलेशनशिप को बिल्ड कर सकते हैं, जिसमें एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है वो है एंगेजिंग इन कन्वर्सेशन या फिर शेयरिंग पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड एक्टिवली लिसनिंग एंड अनदर पर्सन टू हैव अ डीपर कॉन्वर्सेशन, ओके। आई होप सो कि आपको ये टॉपिक्स अच्छे तरीके से समझ में आ गई हो एंड अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाओ एंड एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स ला पाओ एंड इसको लाइफ में भी अपना पाओ। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज रिकॉग्निशन ऑफ आवर कॉमन ह्यूमैनिटी। तो कॉमन ह्यूमैनिटी क्या है, उसको रिकॉग्निशन करना। तो ये जो है वो एक आइडिया है जो कि हमें बताता है कि बहुत सारे सोसाइटी में डिफरेंसेस होने के बावजूद भी हम लोग फंडामेंटली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, क्योंकि हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, ओके। ये नहीं कि कास्टिज्म को बढ़ावा दे रहे हो आप एंड आप कह रहे हो कि मेरे अंदर ह्यूमैनिटी है, तो ये नहीं है। रेसियल डिस्क्रिमिनेशंस को हटाना सोसाइटी से, मतलब मैं जैसे रेसियल डिस्क्रिमिनेशंस को हटाना, कास्टिज्म को हटाना, अपने अंदर से इस भावना को हटाना कि मैं हाई क्लास का हूँ या फिर वो लो क्लास का है या फिर मिडिल क्लास का है या फिर वो मुझसे छोटा है, वो काला है, मतलब उसका रंग अजीब है, तो ये सब चीज़ों को इसके ऊपर या फिर इसके परे सोचना और ह्यूमैनिटी को इक्वली सोसाइटी में प्रोवाइड कराना is the best common humanity's way, okay। तो क्या होता है कि अगर हम लोग
किसी के नीड्स को, डिजायर्स को, इमोशंस को समझते हैं और उसके नीड्स को प्रोवाइड कराते हैं, तो हमारे अंदर की ह्यूमैनिटी अच्छी होती है, थोड़ी डीप होती है। तो हमें समाज में सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, सेम डिग्निटी देनी चाहिए एंड सेम इक्वालिटी से पेश आना चाहिए। हम ये जो रिकॉग्निशन है वो इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये एम्पैथी को प्रमोट करता है और अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करता है, जिससे ह्यूमैनिटी बिल्ड होती है। तो रिकॉग्नाइजिंग से क्या होता है कि हमारी कॉमन ह्यूमैनिटी होती है वो समाज के वो जो डिफरेंट बैरियर्स बिल्ड होते हैं उसे वो ब्रेक कर पाती है और एक ऐसे समाज की स्थापना करती है जिसमें सभी लोग इक्वली ट्रीट होते हैं एंड सभी उनके नीड्स को इक्वली प्रोवाइड किया जाता है। ये नहीं कि इसे ज़्यादा मिल गया, इसे कम मिल गया। ओके, तो इसको ह्यूमैनिटी को सोसाइटी में बढ़ावा देने के लिए या फिर इसे प्रमोट करने के लिए तीन वेज हैं, मतलब बहुत सारे वेज हैं लेकिन कॉमनली तीन वेज या फिर चार वेज हैं जिससे हम लोग ह्यूमैनिटी को प्रमोट कर सकते हैं सोसाइटी में। वेरी इंपॉर्टेंट वन इज एजुकेशन। अगर कोई भी पर्सन एजुकेटेड है देन वो रेसियल डिस्क्रिमिनेशन करेगा ही नहीं, कास्टिज्म को सपोर्ट करेगा ही नहीं, हाई क्लास मिडिल क्लास करेगा ही नहीं, और जो करता है उसकी मेंटेलिटी को मतलब आप क्या ही समझोगे। ओके, तो जो वो डाउन लेवल की जो हमारी मेंटेलिटी होती है वो एजुकेशन गेन करने के बाद ख़त्म हो जाती है। मतलब हम लोग समझ जाते हैं कि ये रेसियल डिस्क्रिमिनेशन, कास्टिज्म वगैरह, कलर, ये जो होता है फिर अनटचेबिलिटी वगैरह, ये सब कुछ नहीं होता, ये सब फालतू चीज़ें हैं, इन सब पर भरोसा नहीं करना चाहिए, इससे समाज बिगड़ता है, इससे हमारी जो भाईचारे की नीति होती है वो ख़त्म होती है। तो कोई भी पर्सन एजुकेटेड होगा वो तो ये सब चीज़ों को सपोर्ट नहीं करेगा वो। ओके, एंड इंडिया में एजुकेशन को सबसे ज़्यादा बढ़ाना बहुत ज़रूरी है ताकि हम समाज में सबको इक्वली ट्रीट कर पाए। सेकंड वन इज शेयर्ड एक्सपीरियंसेस। ओके, तो शेयर्ड एक्सपीरियंसेस से क्या होता है कि जैसे हम लोग वॉलेंटियरिंग करते हैं तो इससे हम लोग क्या करते हैं कि कॉमन ह्यूमैनिटी को प्रमोट करते हैं। ओके, और इससे हम लोग बैरियर्स को ब्रेक डाउन करते हैं जिससे क्या होता है कि इंडिविजुअल के बीच और कम्युनिटी के बीच जो कनेक्शन है वो अच्छी तरीके से बिल्ड होता है। आई होप सो कि आपको ये समझ में आया हो। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, एडवोकेसी। तो एडवोकेसी क्या होती है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जिससे क्या होता है कि ह्यूमन राइट को, सोशल जस्टिस को, इक्वालिटी को प्रमोट होता है, ये ह्यूमन जस्टिस इक्वालिटी, जिससे क्या होता है कि हमारी कॉमन ह्यूमैनिटी जो होती है वो बिल्ड होती है और हम लोग सभी को सेम चीज़ें, सेम सुविधाएं प्रोवाइड करा पाते हैं। ओके, और ये हम इंश्योर कर पाते हैं कि सभी लोग अच्छी तरीके से, सेम तरीके से, सेम वे से ट्रीट हो रहे हैं या नहीं, या फिर किसी को कम चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है, कम रिस्पेक्ट मिल रहा है, मतलब डिग्निटीज अपॉर्चुनिटीज सेम नहीं मिल रही हैं उनको, या फिर उनको अनइक्वेटिवली या फिर अनइक्वली उनको ट्रीट किया जा रहा है। ओके, नाउ द लास्ट वन इज कन्वर्सेशन। तो कन्वर्सेशन से क्या होता है कि ह्यूमैनिटी जो होती है वो अच्छी तरीके से बिल्ड होती है। जैसे कि अगर आप किसी के साथ रिस्पेक्टफुल वे में अगर आप बात कर रहे हो, उसके बैकग्राउंड को चेक कर रहे हो और अपना पर्सपेक्टिव शेयर कर रहे हो उसके साथ, तो इससे बेटर कनेक्शन आपका बिल्ड होगा जिससे ह्यूमैनिटीज को चांसेस मिलेंगी। ओके, तो ओवरऑल हम लोग यही कह सकते हैं कि जो रिकॉग्निशन है हमारी कॉमन ह्यूमैनिटी का वो एक पावरफुल आइडिया है जो कि एम्पैथी को प्रमोट करता है, अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करता है और बेटर कनेक्शन को बिल्ड करने में हमारी मदद करता है। ठीक है, जिससे हम सोसाइटीज की जो बैड बैरियर्स है उसे हम लोग ब्रेक करके ह्यूमैनिटी के रास्ते पर चलते हैं। ओके, आई होप सो आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज एम्पैथी, कंपैशन एंड जस्टिस। सो सोसाइटी को इक्वल तरीके से ट्रीट करने के लिए बहुत सारे कंसेप्ट है, उसमें से तीन मुख्य कंसेप्ट हैं जिसका नाम है एम्पैथी, कंपैशन एंड जस्टिस। ओके, तो लेट्स लर्न अबाउट इट। एम्पैथी क्या होता है कि ये एक एबिलिटी होती है जिससे हम लोग
अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं किसी के साथ, या फिर किसी की फीलिंग्स को हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और ये हमें सिखाता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरह का इमोशनल फीलिंग से सफ़र कर रहा है तो वो कैसा फील कर रहा है, मतलब पुटिंग आवर सेल्फ इन अनदर पर्सन शूज, दूसरे की जगह पर खुद को रख कर देखना कि वो कैसा फील कर रहा है, या फिर वो जैसे कि वो कोई भी सिचुएशन हो, जैसे कि वो दुखी है तो वो कैसे फील कर रहा होगा, या फिर वो उदास है तो वो कैसा फील कर रहा होगा, या फिर उसने स्ट्रगल किया तो कैसा वो स्ट्रगल किया, कैसे वो स्ट्रगल किया, उसकी प्रॉब्लम्स क्या आई उस स्ट्रगल के दौरान। तो इन सब चीज़ों को हम लोग एम्पैथी कहते हैं। ओके, और एम्पैथी जो होती है वो हमारी रिलेशनशिप को बिल्ड करने में, उसे मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा हमारा हेल्प करता है। जिससे क्या होता है कि हमारे जो कनेक्शन होते हैं वो अंडरस्टैंडिंग जो होती है हमारी, तो वो अच्छे तरीके से क्लियर हो पाती है। जैसे कि आपका ये कंसेप्ट हो रहा है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक इज कंपैशन। कंपैशन क्या होता है? जिससे हम लोग अपना कंसर्न किसी को दिखाते हैं, किसी के प्रति अपना कंसर्न दिखाना, वेलबींग किसी के प्रति, उसे हम लोग कंसर्न कहते हैं। कंसर्न जैसे आपको किसी ने डांट दिया, फिर आपकी बहन ने आपको बताया कि जाने तो कोई बात नहीं, ऐसा होता है, तो ऐसे कुछ कहना, उसको कंपैशन कहते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं किसी भी पर्सन के सफरिंग के दौरान। ओके, एंड ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वैल्यू है, वो हमारी सोशल जस्टिस को प्रमोट करती है। एंड इससे क्या होता है कि जो हम जो सोशल जस्टिस होती है उसे प्रमोशन होता है, एंड ये हमें हेल्प करता है किसी के इनक्वालिटीज़ को एड्रेस करने में और उसको समाज से बाहर निकाल कर फेंकने में। ओके, अब हम लोग समझेंगे जस्टिस के बारे में कि जस्टिस क्या है, जस्टिस किसे कहते हैं, क्या कोर्ट वाला ही सिर्फ जस्टिस होता है या फिर और कोई जस्टिस होता है। ओके, सो जस्टिस जो होता है वो एक प्रिंसिपल है जो हमें बताता है कि किसी के साथ भेदभाव तो नहीं हो रहा, सेम इक्वली कोई ट्रीट हो रहा है ना। ये हमें इंश्योर कराता है कि सभी लोग जो समाज में हैं वो इक्वली ट्रीट हो रहे हैं या नहीं, रिस्पेक्टफुल वे में ट्रीट हो रहे हैं या नहीं, या फिर सेम डिग्निटीज मिल रही है या नहीं। ओके, या फिर ये हमें ये इंश्योर कराता है कि ये जो सेम अपॉर्चुनिटीज हैं, सेम रिसोर्सेज हैं, किसी को मिल रहे हैं या नहीं, ये जस्टिस को प्रमोट करता है। और ये हमें जस्टिस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू है जो कि इक्वालिटी को प्रमोट करती है एंड ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करती है, जो सबकी अधिकार है। ह्यूमन राइट मीन्स जो हमारे अधिकार है उसे ये प्रमोट करता है। ओके, तो सबको मिलाकर हम लोग कह सकते हैं कि एम्पैथी जो है कंपैशन है, और जस्टिस जो है वो समाज को इक्वल बनाने में, उसे मोर केयरिंग बनाने में वो हमारी हेल्प करता है। एम्पैथी जो होता है वो उससे हम लोग किसी के एक्सपीरियंस को समझ सकते हैं। कंपैशन क्या होता है? वो हमें मोटिवेट करता है कोई भी एक्शन लेने में, या फिर किसी के भी पर्सन को हेल्प करने में। और जस्टिस जो होता है वो हमें ये इंश्योर कराता है कि सभी लोगों को समाज में इक्वली और फेयरली ट्रीट किया जा रहा है या नहीं, या फिर सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल रही हैं या फिर नहीं, या फिर सेम रिसोर्सेज मिल रही हैं उन्हें नहीं, या फिर ये वो डेवलप कर रहे हैं या नहीं। ओके, आई होप सो कि ये टॉपिक्स आपको समझ में आ गई हो। हमने ये सभी टॉपिक्स आज कंप्लीट कर लिया। अब यूनिट 2 में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, एंड आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए।